आखिर आखिर ये हुआ लोगों ने कुछ करना चाहिए पब्लिक पे थोड़ी ना पब्लिक के काम नहीं करूंगा शायद आप लोगों के साथ मिले नहीं राम सिंह राम सिंह भाई जान आप हमें हाथ मत दिलाओ ऐसे हमें बुला ले वो हमें समय दें बुला ले निजी काम तो है जो हमारी कॉपी है आप रिसीविंग रिसीविंग ले रिसीविंग लेनी है हाँ रिसीविंग ले रहे हैं दीदी डाक से रिसीव करवा दो अगर ये रिसीव करवा दो डाक से यार कोई बात नहीं आइए या मैम मैम एट द वेरी अर्लीस्ट वी विल रिप्लाई दर नॉट जस्ट रिप्लाई मैं कहूँगी पर एनडीसी का मामला है यहाँ पे कोई वॉट यहाँ पे कोई ना कोई बैठ जाएगा इलेक्टेड मेंबर बन जाए तो फंस गया बीच में रेड फ्लैग जो हर रोज का आपका इशू बन जाएगा मैम पिछली बार आपने ये क्वेश्चन आई थी आप मुझे याद है कमिश्नर साहब के पास है किसी तरह का कोई पेंडेंसी का हमारे पास पेंडेंसी नहीं एनडीसी इमीडिएट बेसिस पे हुआ आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने चेंज किया नहीं अब हमारी रिक्वेस्ट और सुनो जैसे अभी विधानसभा में आया है जो 25% कॉलोनियां बनी हुई है 75% उनको तुरंत क्यों नहीं लाते वो नंबर हमारे पास जवाब है लिखित में हम जवाब देंगे रिटन में दे दें मैम कोई आप रिटन में दे दें हमें देखिए आप बताओ रिगार्डिंग सर मैं एग्जाम्पल देता हूँ वो बुजुर्ग को बुलाओ आगे बुजुर्ग आओ आइए आप इनका मकान है इनके नाम 25 साल से ये टैक्स दे रहे हैं अब इनसे कागज मांगे जा रहे हैं इनको पर्सनल डील करो आप देखो उम्र देखो इनकी अरे भाई साहब आप तथ्यों के आधार पे बात तथ्यों के ऐसे ना बोलिए नो नो ऐसे ना बोलिए सुनिए मेरी बात कागज में ऐसे ही लोग धक्के खा रहे हैं अरे यार बात ही नहीं सुनते आप हमारी हम कह रहे हैं ये कि कोई ना कोई मैम कागज में कमी होती है इसलिए उसको कहा जाता है कि नहीं नहीं सरकार एक बात सुनो कैसे करो मैं बात प्रेजेंट हूँ मेरा 180 गज का मकान बना हुआ है और वो मेरे ससुर ने मेरे नाम करवाया था और 40 साल की ससुर के नाम है 10-12 साल उसमें ने नाम करवा रखा है आज उसमें लक्ष्मी देवी और सन ऑफ ओम प्रकाश दिखा रहे हैं डॉक्टर ऑफ सन ऑफ ओम प्रकाश दिखा रहे हैं तो मैं नगर निगम की कहाँ गलती मानी आप जो आप क्यों कर रहे हैं आप ना 4-5 इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं जिसके अंदर एक तो है करप्शन है अगर हमारे
बिल्कुल करेंगे मैम, आपको रिटर्न में स्टेट ऑफिसर अपॉइंट हुए, यानी जितनी भी यहाँ पे एलिगेशन अखबारों में प्राइवेट सिटीजन के थ्रू और बाकी कंप्लेंट्स के थ्रू आपके आगे आ रहे हैं कि सरकारी जमीन पे अवैध कब्जे होते हैं, आप इसको ही बोले बाकी विभाग के कंप्लेंट जो हम आपको ऑन डे और डॉक्यूमेंट दे देंगे कि इन सारे मैटर्स पर। फिर एक आपका इसके अंदर है कि एनडीसी को लेकर जी ऑब्जेक्ट हुए, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है और एक ही प्रॉपर्टी की बार बार एनडीसी नहीं। और दूसरा जो आपका इसके अंदर आईडी प्रॉपर्टी है पहले वाले तो क्या जो आए नहीं अब तक कमेटी में आते हैं तो क्या पता थे जिन्होंने गदर में चार रखा है।